फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है और थर्सडे को जो है बजट पेश होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने क्या किया और कल मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है एक्सपायरी के दिन। ये डेली कैंडल है, डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो ये थोड़ा सा पॉज कैंडल दिख रहा है और यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस है मार्केट के पास। तो डेली कैंडल में अगर देखेंगे तो 500 का जो है हम ये रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं। एक बार 500 का ये रेजिस्टेंस है डेली में, और सपोर्ट अगर मार्क करेंगे तो सपोर्ट 45,200 का जो है यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है। ये डेली का मार्किंग हो गया। अभी चलिए देखते हैं पाँच मिनट में क्या बन रहा है यहाँ पर। तो 5 मिनट में अगर देखेंगे मार्केट आज लगभग साइडवेज ही था पूरे दिन। यहाँ पे होल्ड कर रहा था अपने आप को। यहाँ पे अगर देखेंगे ओपनिंग के बाद अगर मार्केट देखेंगे तो ये जो सपोर्ट बना है मार्केट ने 45,300 का, इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट किया और मार्केट दिन भर इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर देखेंगे तो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है हम पहले मार्क कर लेते हैं। ये जो 500 का है ये हमारे लिए कल के लिए सपोर्ट होने वाला है। ये जो रीजन है ये वाला सपोर्ट होगा, इसको मैं थोड़ा सा आगे खींच लेता हूँ। और सॉरी, ये रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट अगर बात करेंगे तो 45,200 जो है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करने वाला है। तो देखेंगे तो ये देखो, ये कम से कम मंडे से जो है 29 तारीख से, मतलब कल 2 दिन से मार्केट अगर देखेंगे तो इसी रेंज में घूम रहा है। तो कल के लिए क्या हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी। अभी एक तो बजट आने वाला है, तो एक मार्केट इसी रेंज में इस तरह से कुछ ओपन होगा अगर, तो इसी रेंज में साइडवेज जाके क्लोजिंग दे सकता है इस तरह से, और इस तरह से कुछ क्लोजिंग हमें मिल सकता है इसी जोन में। और ये हो गया फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी जो है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है, ये मैं बजट के दिन की बात कर रहा हूँ, थर्सडे के दिन। कल तो एक्सपायरी है, कल के लेवल्स भी हम निकालेंगे, लेकिन मैं एक्सपायरी के लिए बोल रहा हूँ। ये जो रेंज बना है इसी कल के दिन भी इसी रेंज में मार्केट क्लोज दे सकता है। और बजट के दिन जो है मार्केट अगर 45,500 के ऊपर अगर निकलता है तो कुछ इस तरह से हमें प्राइस एक्शन देखने मिल सकता है, और यहाँ तक हमें मार्केट का मूवमेंट जो है देखने मिल सकता है बजट के दिन। सॉरी, यहाँ पे जो है यहाँ तक के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बजट के दिन। 46,000 जो है ये लेवल भी हमें आने वाले टाइम में बजट के दिन देखने मिल सकते हैं। और अगर मार्केट बेरिश होता है तो डाउनसाइड के लिए जो है यहाँ पे सपोर्ट जो है 44,500 का, 45,000 का यहाँ पे एक सपोर्ट है। उसके बाद अगर सपोर्ट हम बात करेंगे तो 44,800 जो है ये एक सपोर्ट बन के निकल रहा है। अगर मार्केट कल का क्लोजिंग जो है हमें 45,200 के नीचे अगर मिलता है तो बजट के दिन जो है इस तरह से कुछ मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है इस तरह से यहाँ पे। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ तक के लिए हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं मार्केट को, इस तरह से कुछ मार्केट प्राइस एक्शन बना सकता है। ये बजट के दिन का हो गया। अभी चलिए देखते हैं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ एक बार, कल के लिए कौन से इम्पोर्टेंट लेवल होने वाले हैं चलिए बात करते हैं। तो अगर मार्केट कल इसी जोन में अगर ओपन होता है और नीचे 200 का सपोर्ट अगर ब्रेक करता है कल के दिन ही, तो हम यहाँ तक के टारगेट हम कल के दिन ही देख सकते हैं, जो कि 45,000 जो है ये जो टारगेट है 300 पॉइंट नीचे जो है हम और जा सकते हैं इस तरह से। अगर फ्लैट ओपन होता है, एक मिनट मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, मैं प्राइस लेवल भी लगा देता हूँ यहाँ पे।
तो हमें समझने में आसानी होगी। तो मार्केट अगर कल इसी जोन में अगर ओपन होता है 45,300 के आसपास और नीचे अगर आने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो है लो जो है, ये अगर ब्रेक करता है, ये वाला जो लो है आज का 45,270 का जो है लो, अगर मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेगा जो कि हमें लेके जाएगा। ये मैं मार्क कर देता हूँ पहले, ये पुट साइड के लिए पोजीशन रहेगा। तो नीचे की साइड अगर जाएगा मार्केट तो ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे, ये जो गैप के रीजन पेंडिंग है, ये फील हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसे कलर चेंज कर देता हूँ इसका, कलर चेंज कर देता हूँ। तो कल के इस ट्रेडिंग सेशन में 45,000 तक हम जा सकते हैं। यहाँ पे एक 300 पॉइंट का जो है हमें फॉल देखने और मिल सकता है अगर कंटिन्यूशन में मार्केट जाता है तो। अभी ऊपर की साइड में अगर लेवल देखेंगे तो ये वाला जो हाई है इसके ऊपर ही हम कुछ पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने होल्ड तो करने की कोशिश की है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक बार के लिए रिजेक्शन मिल सकता है हमें 45,500 के लेवल के आसपास। तो एक टारगेट 500 तक आप रख सकते हो, मैं इसे भी मार्क कर देता हूँ। ये हमारा टारगेट कल के लिए हो सकता है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कल भी इसी रेंज में क्लोज दे दे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है अगर, तो ये वाला जो हाई है ये हमारा टारगेट होने वाला है। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है 45,500 के ऊपर, तो 45,664 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और इसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओआई बिल्डअप भी ज़्यादा है, 45,600 जो है इस लेवल पे ओआई बिल्डअप ज़्यादा है, तो शॉर्ट कवरिंग आने के बाद में 45,664 तक मार्केट जा सकता है। उसके बाद अगर देखेंगे अगला जो टारगेट हमारा निकल के आ रहा है, ये जो 45,750 का ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट जो है ये हमारा 45,850, ये हमारा थर्ड टारगेट होने वाला है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 45,500 के ऊपर तो सस्टेन करता है 5-10 मिनट अगर, तो ये वाले टारगेट हमें कल कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आने की कोशिश करेगा तो 45,000 जो है ये राउंड नंबर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे एक बार मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है। तो ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलिए निफ्टी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी का जो है पहले डेली कैंडल देख लेते हैं। निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसी दिन बजट पेश होने वाला है, तो निफ्टी के लिए भी देखेंगे। अगर निफ्टी ने काफ़ी स्ट्रांगली नेगेटिव कैंडल बनाई है, कल जो मूव आया था रिलायंस की वजह से, तो आज जो है वो पूरा फेड आउट हो गया है। तो निफ्टी के लिए अगर देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे 22,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है और स्ट्रांग, और सपोर्ट अगर हम बात करेंगे वो है बिल्डअप की सबसे, तो 21,000 जो है यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट मार्केट के पास है। तो ये दोनों में से लेवल हमें देखने मिल सकते हैं बजट के दिन। और नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे तो ये वाला जो है 22,200 ये वाला एक हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो ये वाले जो दो टारगेट है ये बजट के दिन हमें देखने मिल सकते हैं। और डाउन साइड का अगर देखेंगे तो 21,000 का भी लेवल, अगर मार्केट नेगेटिव होता है, कल का क्लोजिंग कैसा मिलता है डेली कैंडल में उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हमें बजट के दिन कौन सी साइड मूवमेंट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं 5 मिनट में यहाँ पे आज मार्केट ने क्या किया। मार्केट आज अगर देखेंगे तो कल का जो ये मूवमेंट आया था ये रिलायंस की वजह से, तो ये पूरा आज फेड आउट हो गया है। और यहाँ पे अगर देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम मार्क करेंगे तो ये वाला जो जोन है, मिनट में इसे मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो जोन है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए, और ये वाला जो जोन है ये सपोर्ट का काम करने वाला है हमारे लिए। तो ये दो जोन है,
यहाँ पे अगर मार्केट इसी रीजन में अगर ये वाला जो सपोर्ट का सपोर्ट लेता है इस पर्टिकुलर इस जगह का जो कि 21,500 जो लेवल है, इस लेवल का अगर सपोर्ट लेके बाउंस करता है मार्केट, इसी लेवल में अगर ओपन होता है और ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमारे लिए फर्स्ट टारगेट जो है ये 21,650 का होने वाला है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ये वाला जो है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए 21,650। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो है 21,700, ये हमारा होगा सेकंड टारगेट, ये सेकंड टारगेट होना होगा। और थर्ड टारगेट अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो डे हाई है आज का, ये वाला हमारा थर्ड टारगेट होगा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट अगर दिखाता है तो ये ऊपर की साइड के टारगेट होंगे, और नीचे की साइड अगर हम बात करेंगे, ये अगर सपोर्ट ब्रेक कर देता है मार्केट 21,500 का, तो नीचे की साइड अगर हम बात करेंगे तो ये वाला जो कैप पेंडिंग है यहाँ पे, तो ये टारगेट भी हमें देखने मिल सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आने की, ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद आप जो है पोजीशन बना सकते हो, जो कि 21,500 जो है इसके नीचे अगर कोई 5 मिनट का कैंडल हमें क्लोजिंग मिलता है तो आप शॉर्ट साइज का साइड का जो है पोजीशन बना सकते हो टिल 21,380 तक का। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सॉरी ये हमारा होगा टारगेट, सेकंड टारगेट होगा। फर्स्ट टारगेट मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे 430 का जो है, ये हमारा होगा फर्स्ट टारगेट 21,440 का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 21,380, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और थर्ड टारगेट अगर हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा होगा थर्ड टारगेट 21,300, ये होगा थर्ड टारगेट। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फ्रेंड्स, अब अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या ये वीडियो पहली बार अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करिए, तो आपको जो डेली एनालिसिस वीडियोस है, ये मेरा चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, यहाँ पे हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियो, कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस होते हैं ये अगर देखेंगे आप। रेनुका शुगर कल 20% का लगभग इसने जब सॉरी 20% नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ, इसने तो कल हाई मारा है, हाई लगाया है, कल ही चेक किया था, रेनुका शुगर यहाँ पे अगर देखेंगे, ये मैंने एनालिसिस वीडियो बनाया था, आज भी अगर देखेंगे आप अगर तो लगभग 48 का हाई लगा चुका है। और कल ये मैंने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था तो ये वाला मोमेंट जो था हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने बाइंग का दिया था आपको, इस वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो यहाँ पे। और कुछ इंट्राडे के स्टॉक्स भी हम देते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस यूट्यूब चैनल पे जो है हम यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनालिसिस वीडियो जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं कुछ स्टॉक्स के डेडिकेटेड वीडियोस में यहाँ पे पोस्ट करता हूँ एनालिसिस वीडियो, जो कि एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, तो उसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। यहाँ पे अगर देखेंगे सुजलोन का मैंने बनाया हुआ है, मल्टीबैगर स्टॉक्स भी हम प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे, कुछ स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, सोना कॉम्स का, वेर ऑफ इंजीनियरिंग, ट्राइडेंट, हैप्पीएस्ट माइंड, ऐसे बहुत सारे के सारे जो है स्टॉक्स के एनालिसिस वीडियो में यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। तो आप अगर नए हो चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ये मेरा अगर आप देखेंगे तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे हम एजुकेशन पर्पज़ के लिए कुछ लाइव मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ कॉल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे दिया था आज का, देखेंगे आप
अगर आप 21,850 का सी मैंने दिया था, 105 से लेके 110 यहाँ पे मैंने बाइंग दिया था, तो इसने लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो चुके थे इसमें। तो अगर आप इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पे जो राइट हैंड कॉर्नर में आपको जो QR कोड दिख रहा है, इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके चैनल से जुड़ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नए कुछ नए वीडियोज़ में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।